ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर। प्रभात बच्चों, आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की कहानी, कृष्ण जन्म की। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे बिराजे हैं, मोर मुकट पर कानों में कुंडल कर में मुरलिया साजे है। श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे उनके मामा कंस के कारागार में हुआ था। कारागार का अर्थ है जेल। जी हाँ, उनके पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस ने बंधक बना के रखा था। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी को 8वीं संतान हुई तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को यह आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल के यशोदा माँ और नंद बाबा के पास पहुंचा दें, जहाँ पर वह कंस से सुरक्षित रह सकेंगे। श्री कृष्ण ने गोकुल में रहकर अनेक बाल लीलाएं की। वे अपने ग्वाले दोस्तों के साथ गायें चराने के लिए जाते। गोकुल के सभी लोग कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। कृष्ण भी सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रज को बचाया था। श्री कृष्ण ने लोक रक्षा के लिए बहुत से काम किए थे, इसी वजह से वे जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया था, जिन्हें समाज में छोटा समझा जाता था। उन्हीं मित्रों के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया था। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके बंधन से अपने माता पिता और नाना को मुक्त किया और अपने नाना को फिर से मथुरा का राजा बनाया। दही हांडी प्रतियोगिता। जन्माष्टमी के दिन कई जगहों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी में सभी जगह के बालक भाग लेते हैं। इस मटकी को फोड़ने के लिए बालकों द्वारा प्रयास किया जाता है। जो टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है, वह टीम इनाम की हकदार होती है। मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य नगरों में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और आधी रात 12 बजे कृष्ण का जन्म होने के बाद घंटियां बजाकर श्री कृष्ण की आरती की जाती है। इसके बाद लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में प्रसाद बांटकर खुशी प्रकट करते हैं। इसी तरह से पूरे दिन व्रत रखकर यह त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने भी धरती पर तभी अवतार लिया जब कंस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था और दीन दुखियों को सताया जाने लगा था। इसी वजह से हमें भी श्री कृष्ण के संदेशों को अपनाना चाहिए। जब जब संसार में कष्ट, पाप, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई बड़ी शक्ति जरूर जन्म लेती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म में लगे रहना चाहिए और जन्माष्टमी भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूछती जिने दुनिया सारी।
आओ उनके गुण गाएं, सभी मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाएं।